नहीं ले सकते, राइट क्यों नहीं ले सकते, पुलिस कस्टडी में नहीं ले सकते आप, पुलिस की पूछताछ चल रही है, विवेचना चल रही है, आप नहीं ले सकते। अच्छा, मेरी वाइट मैं दूंगा वाइट, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग अंदर उसके थाने में कुछ भी करेंगे। स्वागत है आपका सामने लाइट न्यूज चैनल में, मैं सिमरन अंसारी। देखते हैं आज की बड़ी खबर। नगर पलेरा रात का अंधेरा और खाकी और खादी के गठजोर का होता है सवेरा। जहां पूरा नगर सोता है उसी समय खाकी और खादी की गठजोर की सुबह होती है। जी हाँ, यही हकीकत है। नगर में रेत माफियाओं की जहां खनिज विभाग के अधिकारी कार्रवाई तो करते हैं, ईमानदार सब इंस्पेक्टर पलेरा थाना प्रभारी कानून की जगह खादी के कप प्लेट धोने में जुटे होते हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि खनिज विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करके रात में अवैध खनन पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं, और जब ट्रैक्टर जब्त करके पुलिस को देते हैं तो पुलिस उन्हें रात में ही भगा देती है। यह कौन सा कानून है? चंद टुकड़ों की खातिर कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले एक सब इंस्पेक्टर की पत्रकारों की टीम थाने पहुंची। थाना प्रभारी ने बाइट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपियों की बाइट लेनी चाहिए तो थाना प्रभारी पलेरा भड़क गए। इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सामने हकीकत आ जाएगी। चंद रुपयों की खातिर अपनी वर्दी की कस्में और कानून की रक्षा करने वाले कितना नीचे गिर सकते हैं, और क्या कहते हैं देखें पूरा वीडियो। नहीं ले सकते अंदर, क्यों बताएं? अरे नहीं ले सकते, राइट क्यों नहीं ले सकते, पुलिस कस्टडी में नहीं ले सकते आप, पुलिस की पूछताछ चल रही है, विवेचना चल रही है, आप नहीं ले सकते। अच्छा, आपकी राइट कर दो, मेरी राइट मैं दूंगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग अंदर उसके थाने में कुछ भी करेंगे। कुछ भी थोड़ी कहते पत्रकार। अरे ऐसा नहीं है भैया, आप चला रहे हो अच्छी बात है, बोली आप करिए, लेकिन पुलिस कस्टडी में आप नहीं ले सकते इनको। अच्छा, नहीं तो पुलिस थाने में वाइट लेने का काम, पुलिस का काम है, आपका काम। अच्छा, पुलिस का काम ये है कि किसी की गुंडागर्दी, आप जैसे पुलिस का ये काम है, नहीं ये काम कि किसी के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दें आप परमिशन के। आप ये बताइए कि आप बिना किसी परमिशन के थाने में कैसे बाइट ले रहे हैं? नहीं नहीं, परमिशन की जरूरत नहीं होती पत्रकार, परमिशन आप नहीं कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं करते पत्रकार, करिए तो आप हटिए, जाइए यहाँ से। अच्छा, हटिए, आप मेरी बाइट लीजिए, मैं दूंगा आपको। कौन सी आपकी भाषा के, हटिए यहाँ से। आप कैसे ले रहे हो बाइट बिना पूछे? बाइट तो लेना है, बिल्कुल नहीं देंगे हम, बिल्कुल हमारी कस्टडी में मिल जाए, आप जाए ना जेल से छूटा लेना बाइट, जेल से छूटने के बाद जेल से पहले बाइट होती है, लेने देंगे आपसे कोई बाइट। अच्छा, तो आपका मतलब ये है इनको जुर्म जो है हम बता रहे हैं आपको, प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, आपको सब कुछ बताएंगे, बाइट देंगे आपको चाहिए तो। अच्छा, पुलिस ही बाइट देगी, बाकी किसी से नहीं, नहीं चाहे गरीब जनता के ऊपर कितना ही बड़ा अत्याचार हो जाए। अत्याचार अब आपको पता है कि अत्याचार हुआ? हाँ, बिल्कुल पता है। विवेचना कर ली उसकी किसने? आपने। किसने विवेचना आपने की है? नहीं, विवेचना हमने की तो हम बताएंगे, सब छोट के लोग बता रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वाले क्या बताएंगे, पता है रात को कोई था ही नहीं वहां, क्यों थाना प्रभारी सब कुछ होता है, क्यों आप सब कुछ है आप, नहीं हम नहीं है, हम लोग पत्रकार हैं, देश के चौथे स्तंभ में हमारा काम है। पुलिस कस्टडी में नहीं ले सकते भाई, हाँ जहाँ से आप, क्यों नहीं ले सकते, विवेचना हो रही है पुलिस कस्टडी में, थाने से बाहर की बाइट दे दीजिए, थाने से बाहर दे दीजिए बाइट, नहीं पुलिस कस्टडी में नहीं ले पाएंगे, नहीं नहीं पुलिस कस्टडी में है, न्यायालय में जमा, आप अपनी बाइट दीजिए, मैं दूंगा भाई, बिल्कुल दीजिए, आ जाएगा अधिकारियों से चर्चा करके, हाँ बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारी से बात, वरिष्ठ अधिकारी से ताकत करा है, मैं दूंगा चर्चा करके, प्रेस नोट जारी करूंगा, आप लोगों को सब कुछ सूचना जो भी है अपने पास, हाँ उपलब्ध, हाँ तो दे दीजिए, अभी दे दीजिए भाई, हम करेंगे, करिए, मैं वापस खोलिए, बिल्कुल जा रहा हूँ मैं, ठीक है, आप यहाँ पर गुंडागर्दी ना करें, गुंडागर्दी आपका सम्मान है, गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी है, किसकी गुंडागर्दी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वीडियो बनाइए सबको, सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगी है आपके, आप कैसे थाने में, कस्टडी में, बिल्कुल बाइट लेंगे, क्यों तो जब हमारी अनुमति नहीं, बिना अनुमति के बिना कैसे ले रहे हो आप, नहीं नहीं बाइट नहीं, ऐसा नहीं, आप बोलोगे हम अनुमति दे रहे हैं, बाइट लेने में आपको लेने में जो आपकी जो परमिशन है, पहले आपको अधिकारी को सूचित करना चाहिए, आप आके कैसे बाइट ले रहे हो, नहीं हम तो लेते हैं बाइट, कोई बात नहीं होगी, नहीं कोई बात नहीं होगी, यहां पे तमाम पुलिस अधिकारी खड़े हैं, आप ऐसे यहां पे दबाव नहीं बना सकते, सीसीटीवी कैमरा लगा है टीआई साहब, वो कुछ भी हो टीआई साहब, सीसीटीवी कैमरा लगा है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं फ्लाइंग इंचार्ज हूँ टीकमगढ़ जिले का, मैं यहाँ पे रेत का रॉयल्टी चेक करता हूँ, तो अभी ये दो ट्रैक्टर परमानेंट चोरी का ट्रैक्टर चलाते हैं, कितने ट्रैक्टर हैं ये? दो ट्रैक्टर अभी हैं, और पुलिस आई, पुलिस क्या बोल रही है अभी? पुलिस कह रही है कि आप इसको थाने लेके चलो, थाने लेके चलो, हाँ
किसके ट्रैक्टर है पता चला? ये लोग नहीं बता रहे हैं। नहीं बता रहे, नहीं बता रहे हैं किसका ट्रैक्टर है। इसको हम थाने लेके जा रहे हैं, जो बात होगी थाने पे हो जाएगी। हमको ये अभी रॉयल्टी चेक की रॉयल्टी तो नहीं है, रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं है इनके पास, परमानेंट रॉयल्टी नहीं है यहाँ। बोल रहा तू, क्या बोल रहा तू? सुंदर लोधी का ट्रैक्टर, वो ड्राइवर बोल रहा है अंदर जाने के बाद टीआई साहब हमारा छोड़ देंगे। चलो ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? आनंद जी। यहाँ जो रात्रि में कार्रवाई हुई, ये बालू कंपनी में पुलिस ने कुछ कार्रवाई की, आपका मकान पास में है, कुछ देखा है आपने? मकान से जी देखा, जब शोर मचा, वैसे तो सो रहे थे, किसी अच्छा। को कुछ पता नहीं था, जब शोर गोल सुना तो पुलिस थी यहाँ, अच्छा, और बालू वाले भी थे, अच्छा, तो जो भी उनका मैटर हो भगवान जाने, और पुलिस बालू वालों को पकड़ ले गई थी, मैं इतना अच्छा। देखा मैंने। कुछ मारपीट हुई क्या? अब यहाँ पर मारा, एक दो लोगों को उन्होंने मारा भी है, अच्छा, और बैठा ले गए गाड़ी में। कितने साल से रह रहे हैं ये लोग यहाँ पे? वही 4-5 साल से। आपका? मनीष कुमार सिरोटी के नाम सब हुआ, और इतने मोहल्ला में रहते हैं हम। अच्छा, कुछ कल पुलिस आई यहाँ पे, कुछ कार्रवाई की पुलिस ने, क्या मामला है रेत वालों के ऊपर? कल हम रात के बच्चा का रोटी खवा रहे थे, रात के कोई 11-12 के लगभग को टाइम है, तो दो गाड़ी में हमें पुलिस दिखानी बाहर। अच्छा, माने गाड़ी में आए तो हमने की जो कायकिला नहीं आई गाड़ी, क्या मोटरसाइकिलें भी है, तो हमने क्योंकि देखे कहा मोहल्ला की बात कहा होगा कहीं, तो हम इस तरफ खाए, ऑफिस है हमारे मोहल्ला में बालू कंपनी वाला, जिनको 4-5 साल से दे रहे जी। अच्छा, तो पुलिस वाले गाली गलौज कर रहे थे, और मारे कूट के कछु जाने से पकड़ ले गए। अच्छा, और अब श्रीमान जी वैसे हमारे मोहल्ला में बहुत साल से रह रहे हैं जी। अच्छा, इन लोगों की कभी शिकायत मिली क्या? कुछ कोई नहीं, बढ़िया भाईचारे से साथ से रहते हैं वो कौन। दोस्तों, मैं वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल का आइकन दिखे उस पर भी क्लिक कर लें।